हेलो गाइस, मैं खुशरो आपका स्वागत करती हूँ खबर आउट में। अस्पताल के बाथरूम से आ रही थी हल्की आवाज, सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे तब देख के हैरान रह गए। तो चलिए, पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है और आप लोगों को इसके ऊपर प्रतिक्रिया देके भी काफी ज्यादा मजा आएगा। पूरी अपडेट जानने के बाद आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इन गार्ड्स ने जो किया है वो आपकी नजर में सही है या गलत है। जरूर अपने रिएक्शन दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो मामला हमारे सामने रोहतक के पीजीआई से आ रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्यार बहुत ही खास होता है, कभी भी किसी को भी किसी के साथ भी ये प्यार हो सकता है। और जब प्यार हो जाता है तब वो अपने प्यार से मिलने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इस दौरान ही बताया जा रहा है कि एक प्रेमिका काफी ज्यादा एक्चुअली में बीमार थी, जिसके कारण उनको पीजीआई में एडमिट करवाया गया था। उनके जो प्रेमी थे उनसे मिलना चाहते थे, पर वहां पर पीजीआई में उसकी प्रेमिका के साथ उसके परिजन काफी ज्यादा मौजूद थे, जिसके कारण वो अपने प्रेमिका से मिल नहीं पा रहा था। काफी ज्यादा बेताब था, कैसे ना कैसे करके तो वो मिलना चाहता था। इसीलिए उसने कोई अलग ही जुगाड़ लगाया, उसने लड़कियों के कपड़े पहन लिए। लड़कियों के कपड़े पहनने के बाद वो एक्चुअली में लड़की को मिलने के लिए गया। रात को पीजीआई के बाथरूम से एक्चुअली में लड़की और लड़के की फुसफुसाने की आवाजें आने लग गई, जिसके कारण गार्ड्स ने वहां पर इन दोनों की आवाज सुनी और चुपके से कान लगा के सुनने लग गए। कुछ ही देर के बाद लड़का जो है वो बाहर निकला, हालांकि वो लड़की के गेटअप में था। तो वहां पर लड़का जैसे ही बाहर निकला तब वहां पर गार्ड्स ने उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद देखा गया तो कहीं उसने कपड़ों के नीचे टी शर्ट और जींस पहनी हुई है, जिसके कारण साफ तौर पर साफ हो चुका था कि वो लड़की नहीं वो लड़का है, जो कि पीजीआई में लड़कियों के बाथरूम में घुसा हुआ है। इस दौरान ही वहां पर उसको मारना पीटना शुरू कर दिया और पुलिस वालों को भी सूचना कर दी। इसी दौरान ही लड़की ने गार्ड से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की कि वो उसका प्रेमी है, प्लीज उसको छोड़ दिया जाए। वो उसको मिलने के लिए वहां पर आया था और परिजन उसको मिलने नहीं देंगे, इसीलिए वो किसी को भी कुछ ना बोले। पर वहां पर गार्ड्स ने इस कपल के बारे में एक भी ना सोची, बस और प्रेमी को मारते गए और वहां पर पुलिस के हाथ सौंप दिया। अभी आप बताइए कि ये गार्ड्स ने क्या ये सही किया या गलत किया? क्या प्यार, मतलब कि प्यार में क्या लोग समझ नहीं सकते? खुद तो हर कोई प्यार करता ही है ना, पर जब कोई दूसरा प्यार करता है तब उसके आड़े में क्यों आया जाता है, क्यों नहीं मिलाने की कोशिश करते, क्यों हमारा समाज ऐसा है? जरूर कीजिए अपनी भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट। इसके साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।